Hello friends, I am Poonam and welcome on my YouTube channel Poonam's Corner. To receive all notifications, please subscribe my channel Poonam's Corner. Hello friends, आज का हमारा वीडियो है हिंदी की वर्कशीट्स पर स्पेशली फॉर नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए. हम में से बहुत से पेरेंट्स का मानना है कि इंग्लिश एंड मैथ्स की बजाय हिंदी बच्चों के लिए थोड़ा टफ रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बच्चों का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है. हम जो भी बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा उसको इजीली कैच कर लेता है. बस बच्चे को समझाने का मेथड एकदम सिंपल एंड इजी होना चाहिए. आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही हिंदी की वर्कशीट्स हैं जो आपके और बच्चे के हिंदी सीखने के काम को ईजी बना देंगी. मैथ्स एंड इंग्लिश की वर्कशीट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की. यह है पहली वर्कशीट, अक्षर से अक्षर को मिलाओ. ये वाली वर्कशीट बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब बच्चा एकदम स्टार्टिंग से सीख रहा है, ऐसे ए को मैच करना है, ई से ई को मैच करना है, इस तरीके से एकदम स्टार्टिंग में. जरूरी नहीं है कि बच्चे को लिखना आए, लेकिन बच्चे को अक्षर की पहचान होना जरूरी है. जो बच्चा बोलता है, जो हम मुंह से बोलते हैं, वो दिखता कैसा है, वो अक्षर दिखता कैसा है, इसके लिए हम बच्चे को ऐसी वर्कशीट दे सकते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब बच्चा स्कूल ज्वाइन नहीं करता है, उसका एडमिशन नहीं करवाते हैं, सबसे पहले हम बच्चे को एक बुक रीड करना शुरू करवाते हैं, ना कि उसको पहले लिखने के लिए देते हैं. बच्चे के आगे बुक रखते हैं और बच्चे को बताते हैं ऐसे अनार, आ से आम, ताकि बच्चे को अक्षर की पहचान हो जाए. तो उसी के लिए वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बच्चे के साथ बैठिए और बच्चे को बोलिए ए, और इसमें आपको ए को आइडेंटिफाई करना है, खोजना है कि ए कहाँ है और उससे उसको मिलाना है. तो बच्चे यहाँ ए रीड करेगा और इसमें लाइन में देखेगा कि ए कहाँ है. तो इसके लिए वो अपना खुद का भी माइंड यूज करेगा कि हाँ ऐसा अक्षर कहाँ है. अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ऐसे अनार, आ से आम, तो हमारे पीछे पीछे जरूर बोलता है, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर रहता है. तो इस वर्कशीट के थ्रू बच्चे का कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, बच्चा अपना खुद माइंड यूज करेगा इसको ढूंढने में. तो ये वर्कशीट बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ऐसे ए को मैच करेंगे, छोटी ई, बड़ा ऊ, तो ऐसे इस वर्कशीट को बच्चे से कंप्लीट करवाइए. ऐसे ही ये स्वर है, ये व्यंजन की वर्कशीट है. यहां जब बच्चे को स्वर की पहचान हो जाती है, तो हम व्यंजन पे आते हैं. तो व्यंजन के लिए भी हम बच्चे के लिए ऐसी ही वर्कशीट तैयार कर सकते हैं घर पर. कैसे कबूतर, इसको मैच करना है, ख, ख से ख को मैच करेंगे, ग, ग को ग से मैच करेंगे. तो इस तरीके से हम बच्चों को पहचान के लिए, अक्षर की पहचान के लिए ये वर्कशीट दे सकते हैं. ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, पहला अक्षर देखकर गोला लगाओ. यानी कि यहाँ बच्चे को पहला जो अक्षर है उसको रीड करना है. बच्चे को अगर रीड करना नहीं आता है, तो आप बच्चे के साथ बैठ सकती हैं और बच्चे को बोलिए कि ए अनार, ऐसा अक्षर बच्चे को यहाँ ढूंढना है और उसके ऊपर गोला लगाना है. तो ये भी बच्चे को अक्षर के पहचान के लिए जरूरी है. यहाँ बच्चा अपने माइंड में इसको दोहराएगा, रीड करेगा, ई छोटा ऊ, ये है ए एन आर, इसके ऊपर गोला लगाना है, ए ई ए. तो इस तरीके से बच्चा इस वर्कशीट को कंप्लीट करेगा. छोटी ई जहाँ भी बच्चे को दिखाई देगी, उसके ऊपर गोला लगाना है. तो इस वर्कशीट के थ्रू भी बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, वो अपना खुद का माइंड लगाता है कि ऐसा देखने वाला अक्षर कहाँ है. तो ये आप वर्कशीट बच्चे को दे सकती हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, चित्र पहचानो और अक्षर पर गोला लगाओ. जब बच्चे को अक्षर और चित्र की थोड़ी पहचान हो जाती है, तो ऐसी वर्कशीट हम बच्चे को देते हैं. देखिए बच्चे ने ऐसे अनार पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे पहचान भी होगी कि ए दिखता ऐसा है, ऐसे अनार होता है. उसके बाद हम बच्चों को ऐसी वर्कशीट देंगे,
जैसे कि मैंने आम की पिक्चर बनाई है, तो ऐसे ही आप ऐसे अनार होता है, या फिर बच्चे को ऐसे अमरूद पढ़ाया जाता है, या फिर जो भी बच्चे की बुक में होता है या फिर बच्चे के स्कूल में पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिए कि आप उसी की पिक्चर यहाँ पर बच्चे को ड्रॉ करके दीजिए, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। ये नहीं है कि स्कूल में बच्चे को ऐसे अनार पढ़ाया जाता है, आप अमरूद की फोटो या फिर पिक्चर यहाँ ड्रॉ कर रही हैं, तो इससे बच्चे को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा अपने आप ऐसे अनार भी सीख लेगा, ऐसे अमरूद भी सीख लेगा, तो वो बच्चे को लेवल जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, बच्चा एक अक्षर से बहुत से शब्द बनाना सीख जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को जो क्लास में पढ़ाई जाती है वो ही पिक्चर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ मेरी बेटी को आ से आम पढ़ाया जाता है, तो मैंने आम की पिक्चर यहाँ ड्रॉ की है। तो यहाँ बच्चा, यहाँ तीन ऑप्शन दिए हैं, जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर गोला लगाना है। ये है ऊन, ऊन की पिक्चर या चित्र ऐसे। पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को समझ में आ जाए इजीली। तो हमारे नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट वर्कशीट है लिखो और सही चित्र में रंग भरो। अब स्टार्टिंग की दो वर्कशीट्स में हमने बच्चे के लिए रीड करवाना दिया था कि पहचान हो जाए बच्चे को, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे डॉट डॉट करके अनार आ आम सब कुछ लिख सकते हो, बच्चे को बोल सकते हैं कि इसको ट्रेस करें। तो बच्चा इसको अपने हैंड राइटिंग में धीरे धीरे इसको ट्रेस करना सीखेगा। इसके लिए आप और एक्स्ट्रा बुक भी ले सकती हैं, मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं ट्रेसिंग की बुक, तो उससे भी बच्चा ट्रेस कर सकता है, या फिर आप खुद भी घर पे ऐसे ही डॉट डॉट करके बना सकती हैं और बच्चा उसको ट्रेस कर सकता है। अब बच्चे ने यहाँ ट्रेस कर लिया। अब ऐसे यहाँ दो पिक्चर हैं, ऐसे अनार, बच्चे को चित्र पहचानना है और उसमें रंग भरना है। तो जैसे ऐसे मैंने अनार यहाँ ड्रॉ किया है, तो इसमें बच्चे को कलर करना है। ऐसे इस तरीके से, ये फिर छोटा ऊ, इसको ट्रेस करना है और इसमें कलर करना है, उसे उल्लू। तो इस तरीके से अगर हम बच्चे को देते हैं पिक्चर्स के साथ, तो बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है और बच्चा उस पिक्चर्स के थ्रू जल्दी भी सीख लेता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे को ऐसे ट्रेसिंग वाली ही वर्कशीट्स पे काम करवाइए, क्योंकि बच्चे का ग्रिप है या फिर हैंड की मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट आसानी से नहीं हो पाती। अगर हम ऐसे ट्रेसिंग करवाते हैं तो उसी साइड में बच्चे की हैंड की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो अपने आप इंडिपेंडेंट होकर लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ये वर्कशीट हम बच्चे से कंप्लीट करवा सकते हैं। जब बच्चे को स्वर की पहचान हो जाए, तो ऐसे ही हम व्यंजन की वर्कशीट भी बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है तय, तय को बच्चा ट्रेस करेगा और यहाँ तय से बच्चे को जो भी दिखाई देगा उसमें कलर करेगा। जैसे मैंने लिखा तय से तारा, तो इसमें बच्चे को कलर करना है। चय, इसको ट्रेस करवाइए बच्चे से। जैसे चम्मच, तो इसमें आप बच्चे को ऐसे कलर दे सकते हैं, वो बच्चा कलर्स के थ्रू इसको इजीली सीख लेता है। हमारे नेक्स्ट वर्कशीट है अक्षर से सही चित्र का मिलान। यहाँ बच्चा अक्षर को रीड करेगा, पढ़ेगा और उसको उसके सही चित्र से मिलाएगा। तो या ए अनार को ए अनार से मिलाना है। देखिए यहाँ बच्चे के सामने पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि दो ऑप्शन दे रहे थे हम बच्चे को, और उसमें से एक राइट ऑप्शन में उसको कलर करना था, लेकिन यहाँ बच्चे के सामने बहुत से ऑप्शन खुल रहे हैं। और ये सारे वो ऑप्शन है जो बच्चा बुक में पढ़ता है, थोड़ा सा बच्चे के लिए थोड़ा टफ होगा। तो जैसे कि बच्चा ऐसे अनार पढ़ता है, इसे इमली भी पढ़ता है, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए
ऐसी वर्कशीट हम बच्चे को दे सकते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली। तो इस तरीके से हम बच्चे को ये वर्कशीट कंप्लीट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, जब बच्चे को अक्षर की पहचान भी हो जाती है और बच्चे को ये भी पता चलता है कि इस अक्षर से, जैसे ऐसे अनार होता है, आ से आम होता है, और बच्चे को ट्रेस करना भी आ जाता है या फिर थोड़ा खुद की हैंडराइटिंग में भी लिखना सीख लेता है। उसके बाद हम बच्चे को ऐसी वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें कि चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखो। यहाँ ये पिक्चर्स मैंने ड्रॉ की हैं, तो आप भी ऐसी ड्रॉइंग दे कर सकते हैं बच्चे की नोटबुक में या फिर प्लेन पेपर के ऊपर। तो यहाँ मैंने लिखा है एक, तो बच्चे को पहचान है कि हाँ ये एक है और ए से एक बनता है, तो बच्चा इजीली इसको वर्कशीट को कंप्लीट कर सकता है। पहला अक्षर बच्चे को यहाँ राइट करना है। दूसरा यहाँ पिक्चर है अनार की, तो ऐसे अनार होता है बच्चे को पता है, है अनार। अंग से अंगूर, तो बच्चे को ऐसी वर्कशीट हम दे सकते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, अलग अक्षर पर गोला लगाओ। कई बार क्या होता है कि सिमिलर अक्षर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए है या ऊ है या फिर आ है, तो इसके लिए हम बच्चों को ऐसी वर्कशीट दे सकते हैं। आप बच्चा जिसमें कंफ्यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को वर्कशीट दीजिए। जैसे कि आपका बच्चा ए और ऊ में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप बच्चे को ऐसे इस पूरी लाइन में ए ए ए आप बीच में 2 या 3 बार ऊ दे सकती हैं, जिससे कि बच्चे को पहचान हो जाए हाँ ये ए में को ऐसे बनाया जाता है, ऊ को ऐसे बनाया जाता है, उसमें लाइन नहीं होती है आगे। इसके लिए बच्चों को आप ऐसी वर्कशीट दे सकती हैं, जैसे कि इसमें अलग था हमारा उ, फिर आ आ इसमें ये है ए। तो ये बच्चे के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेस्ट है ये वर्कशीट। आगे हमारे है खालिस्तान भरो। जब बच्चे को ट्रेस करना आ जाए, अक्षर के पहचान हो जाए, अपने आप थोड़ा लिखना भी शुरू कर दे, तो ऐसी वर्कशीट हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि बच्चे को सीक्वेंस पता चल जाए कि ए के बाद आ आता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ। तो ऐसी वर्कशीट हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि बच्चे को सही सीक्वेंस पता चले। तो ऐसे स्वर की है, ऐसे ही नीचे व्यंजन की है। ऐसे ही ये नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है और सीक्वेंस में मैंने पॉइंट देकर ए आ ई ये सब यहाँ राइट कर दी है। तो सीक्वेंस जानने के लिए, सीक्वेंस बच्चा पहचान जाए या फिर बच्चे को लर्न हो जाए, इसके लिए हम भी कोई भी इजी सी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है एक फिश की, तो बच्चे को बोलिए कि ऐसे स्टार्ट करते हुए सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को मिलाना है। आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ अंग ए। आप अकेले स्वर भी दे सकती हैं और बच्चे को अगर स्वर के बाद व्यंजन की पहचान हो गई है तो आप उसके आगे व्यंजन को भी ऐड कर सकते हैं, क ख ग घ। तो इस तरह से ये एक पिक्चर बन गई है फिश की। तो इस पिक्चर में आप बच्चे को कलर करने के लिए भी बोल सकती हैं ताकि बच्चे के लिए वो थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ये थी कुछ एक हिंदी की वर्कशीट्स एकदम स्टार्टिंग बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी हिंदी पढ़ना या स्कूल जाना शुरू किया है। तो ऐसी वर्कशीट हम अपनी हैंड राइटिंग में घर पे बना सकते हैं और बच्चे को होमवर्क या क्लास वर्क्स के अलावा एडिशन में हम उनको घर पे करवा सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी और वर्कशीट पे या किसी और क्लास के किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।